नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और अभ्यास पाठ 23 की बात करते हैं। हम लोग अब नित्य अभ्यास पाठ में आगे बढ़ रहे हैं और कैसे अभ्यास करना है, हम कैसे दूसरे के पत्रिका को लगा करके देखेंगे, उनमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इन सभी बातों को हम लोग समझ रहे हैं। वैसे 12 भावों को हम कैसे समझेंगे इसको हम जान लिए थे, लेकिन उसमें जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे उसके आधार पर मैंने दृष्टि के विषय में बताया, स्थिति के विषय में बताया कि ग्रह कहाँ प्लेस्ड है तो क्या रिजल्ट होगा, और युति के भी विषय में बताया। यह भी बताया कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम के स्वामी होने का दोष क्यों नहीं लगता, और सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि ही है तो साहचर्य से के नियम से बाहर रहकर यह किस तरह से हमारे कुंडली को प्रभावित करता है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और युति में अभी भी बहुत लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूज़न है। अच्छा, हमको पता चलता है जब आप कमेंट करते हो तो उससे पता चलता है कि आपके मन में क्या कन्फ्यूज़न रह गया है। आज उसी कन्फ्यूज़न पर आधारित ये पाठ है और इसके बाद का जो पाठ होगा वो ग्रहों के वक्री और अस्त होने पर होगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, प्रेडिक्शन प्रारंभ करेंगे। तो आज है राजयोग। अब राजयोग हम लोग जानते ही हैं, अब राज प्लस योग तो सब में है, और यहाँ दुर्योग यदि कर दें तो दुर और प्लस योग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजयोग, और अब यहाँ कह देंगे दुर्योग। अब राजयोग और दुर्योग में अंतर क्या है? राजयोगों की चर्चा हमारे ज्योतिष में बहुत अधिक है, 300 से अधिक योग बताए गए हैं, और उसी तरह से दुर्योग भी बताए गए हैं कि और किस तरह से कौन से ग्रहों के साथ संबंध होने से जो योग बना वो हमारे लिए अच्छा नहीं बना, उसको दुर्योग कहेंगे, और यदि दो या दो से अधिक ग्रहों के संबंध से यदि वो संबंध योग फल देने वाला है तो उसको राजयोग कहेंगे। अब अलग अलग नामों से आप इसको जानेंगे, आगे राजयोग की भी कुछ परिभाषा या कह राजयोगों को भी हम यहाँ से परिभाषित जरूर करेंगे, लेकिन आज समझिए कि योगों के फल को हम किस तरह से समझते हैं। तो हमने बताया था कि केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग हमने कह दिया तो उसमें सिर्फ शुभ ग्रहों का ही योग हो, चाहे कोई भी पत्रिका आप उठाएंगे तो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों का योग संभव है। अब जब दोनों का योग संभव है तो शुभ ग्रह के साथ अशुभ ग्रह की युति होगी तो क्या वो हमारे लिए कितना फलदायी होगा, इसी पर लोहानी जी का प्रश्न आया था कि यदि ये अशुभ ग्रह अपनी अशुभता को नहीं छोड़ते तो फिर हम इसको शुभ कैसे मानेंगे और शुभ फल कैसे कहेंगे। तो हम बहुत जगह पे ऐसी बात बताए हैं कि जब आपका समय बहुत अच्छा हो सकता है और अच्छा हो रहा है, काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, घर में मांगलिक कार्य भी हो रहा है, और उसी समय आप चोट चपेट से ग्रस्त हो सकते हैं, आपके घर में किसी की दुर्घटना या आपकी स्वयं की दुर्घटना हो सकती है, तो दशा तो नहीं बदलेगा ना, कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा है, धन प्राप्ति कर रहे हैं, मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, और आज ही हमारी दुर्घटना भी होती है और हम चोट चपेट से पीड़ित हो जाते हैं। तो एक ही दिन में कोई ऐसा दशाना तो बदल नहीं रहा, तो फिर ये रिजल्ट कैसे आता है, बस इस मूल बातों को समझना है। अगर इस मूल बातों को समझ जाएंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। अब यहाँ जैसे कि हम मान लीजिए कि शुक्र चंद्रमा शुभ हो और सूर्य यहाँ अशुभ है, अब इन दोनों की दृष्टि यदि हम यहाँ से देखें, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य के साथ रखेंगे तो अमावस के आसपास का जन्म होगा और वो अशुभ हो जाएगा। अब ये दोनों दृष्टि से संबंध बना रहे हैं, एक त्रिकोण के स्वामी हैं और दूसरे केंद्र के स्वामी। अब ये जो दोनों जब दृष्टि से संबंध बना रहे हैं, और ये आपको यहाँ देखने से ही अब पता चलता होगा,
हमारे जो भी पाठक हैं उनको तो जरूर पता चलता होगा कि ये शुभ चंद्र है। तो यहाँ शुभ चंद्र के साथ अशुभ सूर्य का संबंध हो रहा है, तो ये संबंध क्या कहेंगे कि राजयोग नहीं देगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग तो देगा। तो शुभ फल की चर्चा करेंगे, तो शुभ फल किस तरह का होगा कि सुख की वृद्धि होगी, चतुर्थ स्थान से संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे, पंचम स्थान से संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे, दशम स्थान से संबंधित शुभ फल प्राप्त होंगे। तो क्या सूर्य की दशाओं में हमारा स्वास्थ्य बाधित नहीं हो सकता? क्या सूर्य अपने से बारहवां है? तो ये भी एक प्रश्न था। तो क्या संतान से संबंधित कुछ परेशानी भी हो सकती है क्या? अब ये चंद्रमा की अंतरदशा में सूर्य हो, सूर्य की अंतरदशा में चंद्रमा हो, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरदशा नाथ का रिजल्ट अधिक कहते हैं। तो एक तो ये समझिए कि कोई भी दशानाथ अपने स्वामित्व और अपने कारकत्वों का फल करता है, और जैसे ही कारकत्व शामिल होता है उसके कारकत्वों में जो अशुभ फल देने का सामर्थ्य है वो आपको प्राप्त होगा। इसीलिए मन से ये संशय निकाल दीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ गुरु के साथ सूर्य है या गुरु के साथ मंगल है, तो अब यहाँ गुरु और मंगल क्या हो गया, गुरु शुभ ग्रह और मंगल अशुभ ग्रह। लेकिन तत्काल में क्या हम समझते हैं कि केंद्र के स्वामी मंगल और त्रिकोण के स्वामी गुरु। अब इन दोनों के संबंधों का फल क्या कहेंगे, शुभ कहेंगे, राजयोगकारी परिणाम कहेंगे। तो क्या जब गुरु में मंगल की दशा आएगी तो क्या हम लोग सिर्फ यही कहेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा? क्यों, मंगल चोट चपेट नहीं दे सकता, आठवें का स्वामी भी है और चोट चपेट शत्रु नहीं दे सकता, शत्रु के कारक भी हैं। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये राजयोग हुआ, लेकिन क्या इस राजयोग के अंतर्गत भी स्वतंत्र प्रभाव के कारण या स्वतंत्र कारकत्वों को का स्वामित्व होने के कारण हमारे लिए कष्टकर भी हो सकता है? ये तो ज्योतिषियों का काम है कि उसको किस तरह से समझना है। सिर्फ हम ये कह देंगे कि राजयोग हो गया और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इन राजयोगों में भी मंगल जैसे ग्रह, सूर्य शनि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिसके कारकत्वों में अशुभत्व रहता है, तो उसको समझना और जानना जरूरी है। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक हमने कहा कि ये भाव भावे से कोई काम नहीं चलेगा ज्योतिष में, इसको गहराई से समझना पड़ेगा। और हमने बताया भी है कि गुरु और शुक्र निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह हैं, इसीलिए वो पत्रिका में किसी भी स्थान के स्वामी हों, यदि वो केंद्र त्रिकोण धन स्थान लाभ स्थान पराक्रम हाउस ऐसे संबंध बनाते हैं या उसको दृष्टि से देखते हैं, अपने सीधी दृष्टि से देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उसके फल को बढ़ा देते हैं। एक तो योग अच्छा है, ऊपर से गुरु की दृष्टि मिल गई। अब आप कहेंगे कि तृतीयेश और षष्ठेश गुरु है उसकी दृष्टि, तो तृतीयेश और षष्ठेश होने से तात्कालिक अशुभता उसके अंदर होगी, तात्कालिक अशुभ स्थान के स्वामी होने का फल करेंगे। लेकिन गुरु अशुभ हो जाएंगे ये नहीं कहा जाएगा, गुरु तो शुभ ही रहेंगे लेकिन तात्कालिक वो अशुभ स्थान के स्वामी कहलाएंगे। तो इस ये बात बहुत ही सरल है लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने अपने मन के अंदर बहुत कुछ अलग से पाल रखा है। जब तक आप उन सारी बातों को निकाल करके बाहर नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हमने कहा कि राजयोग की तो बात कर ली, तो दुर्योग किसे कहेंगे? अब यहां मंगल के साथ यदि योग बना रहा है तो अच्छा कह रहे हैं, सूर्य के साथ योग बना रहा है तो अच्छा कह रहे हैं, शनि का भी मूल त्रिकोण एकादश में है, एकादश स्थान को अच्छा ही माना गया है अशुभ स्थान के बावजूद, चूंकि वो बढ़ोतरी प्रोग्रेस का स्थान है तो शनि के साथ भी रिलेशन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो शनि के साथ भी रिलेशन, अब यहाँ शुक्र धनेश है,
तो अब यहाँ यदि शुक्र शनि और गुरु का रिलेशन हो जाए तो हम उसको भी अच्छा कहेंगे, क्योंकि शुक्र शनि और गुरु ये तीनों देखिए, एक धन स्थान के स्वामी, केंद्र के भी स्वामी है शुक्र, और एक कर्म और लाभ के स्वामी के साथ यदि गुरु का युति हो तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसको भी राजयोगों में शामिल करते हैं। लेकिन अब क्या यहाँ ये शनि चूंकि लग्नेश के मित्र नहीं है, हमेशा परिणाम किसको प्राप्त होगा ये सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। परिणाम जातक को प्राप्त होगा, और जातक को हम कहाँ से देखते हैं, लग्न से ही विशेष रूप से देखते हैं। तो लग्न के मित्र और शत्रु को जानना ज्योतिष में बहुत अच्छी तरह से जरूरी है। तो अब यहाँ शनि लग्नेश के मित्र भी नहीं है। अब शनि मंगल पे एक प्रश्न है, प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम में उसको लेंगे हम आगे। तो यहाँ क्या देखते हैं कि धनेश, लाभेश और भाग्येश की युति है। तो ऐसे जातक, और युति कहाँ हुआ, सुख स्थान में, तो ऐसे जातक को धन का सुख मिलेगा, लाभ भी पर्याप्त होगा और भाग्य की भी वृद्धि होगी। लेकिन यदि यही योग यहाँ से हम किसी भी एक को हटा दें, मान लीजिए कि यहाँ हमने बुध को डाला, अब बुध को डालते ही समझिए कि परिस्थितियाँ विपरीत हो गई। अब तृतीयेश और षष्ठेश, लाभ और धन का स्वामी बुध तीसरे और छठे के स्वामी के साथ हो जाने से अब लाभ संचित, धन संचित करने में, पर्याप्त लाभ प्राप्त करने में बुध यहाँ क्या पैदा करेगा, अवरोध पैदा करेगा। तो जब ये अवरोध पैदा करेगा तो अभी गुरु था तो अच्छा धन योग बन रहा था, अब बुध आ गया तो दुर्योग बन गया कि धन और लाभ की समस्या होगी। तो स्थान विशेष का स्वामी होने पर भी राजयोग और दुर्योग का निर्माण होता है, इन बातों को ध्यान रखना। ये नहीं है कि शुक्र गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो उनके युति हो जाने मात्र से हम राजयोग कहेंगे। राजयोग कहने के लिए सबसे पहले स्थान का स्वामित्व होना जरूरी है। अब कौन से स्थान का स्वामित्व, तो केंद्र त्रिकोण का स्वामित्व हो, धन लाभ का स्वामित्व हो, और फिर युद्ध या दृष्टि स्वतंत्र रूप से गुरु और शुक्र की यदि हो तो सारे राजयोग आपके कवर हो जाएंगे। आप देखेंगे आगे, आपको रटने की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ समझने की जरूरत है। वहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से ये बन रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ समझना है। और यहीं हम लोगों ने देखा कि बुध तीसरे और छठे का स्वामी होने के कारण शुक्र और शनि लाभ और धन के स्वामी के साथ बैठे। अब यहाँ इन तीनों का रिलेशन मंगल के साथ देख लीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग अच्छा योग कहेंगे या बुरा योग कहेंगे। हम अलग से भावार्थ रत्नाकर आप लोगों को पढ़ाते हैं। अब जब उसको अच्छी तरह से हम सबको बोले हैं कि यदि फल कथन में मास्टर होना है तो भावार्थ रत्नाकर को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर उस पुस्तक को समझ लेंगे तो सामान्य रूप से आप हमारे, हम जो यहाँ से बताते हैं वो सभी बातें आपके समझ में आएंगी। तो किसी भी लग्नों के लिए, मान लीजिए अब उदाहरण में हम एक वृष लग्न ले लेते हैं और देखते हैं कि वृष लग्न में कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको हमने पहले 12 लग्नों के विषय में बताया हुआ है, कौन शुभ है, कौन योगकारी है, कौन अशुभ है, ये सब हम लोगों को पता है। फिर भी हम लोग यदि कंफ्यूज होते हैं तो आगे ये समझना जरूरी है। अब देखिए इसमें विचित्रता क्या है कि मंगल केंद्र का भी स्वामी और द्वादश स्थान का भी स्वामी। तो अब ये शुक्र और मंगल दोनों एक दूसरे को रिलेशन में सम मानते हैं। अब क्या है कि यहाँ यदि मंगल का योग शुक्र और शनि के साथ किसी भी स्थान में हो जाए, शनि मंगल और शुक्र, तो अब इसको कैसे देखेंगे कि ये एक तो मंगल भी है और दूसरा ये द्वादशेश भी है,
और द्वादशेश होने के कारण ये शनि के भी फल को खराब करेगा और शुक्र के भी फल को खराब करेगा, तो इसको बहुत अच्छा योग नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ यदि शनि और के साथ बुध है तो आप देख लीजिए, बुध क्या है, पंचम का स्वामी है और धन का स्वामी है, तो इसीलिए यहाँ शनि शुक्र के साथ यदि बुध की युति हो गई तो बहुत ही अच्छा राजयोग बन गया। अब ये बात अलग है कि हम आपको सारा चीज केंद्र और त्रिकोण में बता रहे हैं, स्थान विशेष का भी प्रभाव होता है। स्थान विशेष का क्या प्रभाव होता है कि मान लीजिए कि आपका बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है लेकिन वो बना आठवें स्थान में, वो बना बारहवें स्थान में, वो बना छठे स्थान में, तो ऐसे स्थानों में यदि बहुत अच्छा राजयोग भी बना है तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, या हम तो अपने शब्दों में यही कहते हैं कि हम उसको राजयोग कहेंगे ही नहीं। कहा जाता है कि छठे आठवें और बारहवें घर यदि ग्रहों से मुक्त हो तो ज़्यादा अच्छा, उसमें ग्रहों का जाना अच्छा नहीं। यदि छः आठ बारह घर खाली है, ग्रह से रिक्त है, तो जीवन में आप किसी भी सुख को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं यदि दशा अच्छी मिल जाए। तो ऐसे योगों को समझना है बहुत सरल, लेकिन अपनी अपनी व्याख्या से नहीं समझ सकेंगे। या हम और आप क्या करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। आप हमेशा जो शास्त्रों में व्याख्या दी गई है उसको समझने का प्रयास कीजिए और वो बताना क्या चाहता है उसको समझिए। हमने बहुत सारे व्याख्याकारों को देखा है कि वो उनको समझने के बजाय अपनी व्याख्या वहाँ दे देते हैं और हम इससे परहेज करते हैं। सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि जो श्लोकों में लिखा गया वो अक्षरशः सत्य है, हम उसको किस तरह से सत्य साबित कर सकते हैं, तो जब आप रिजल्ट प्राप्त करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे सत्य होता है। तो अभी परेशान भी होने की जरूरत नहीं है, जितना अभ्यास करते रहेंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब तक युति फल को, दृष्टि फल को, स्थिति के फल को नहीं जान पाएंगे तब तक हम अभ्यास कैसे करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पाठ आपको मिल रहा है इससे आपका अभ्यास अच्छा हो रहा होगा। अब आपको बताते हैं कि वक्री और अस्त ये दो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे जरूर। आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि जो कोई भी अच्छी तरह से ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके पास जितने भी पुस्तक हैं उसमें से वक्री और अस्त ग्रह का जो रिजल्ट बताया गया है वो आप ढूंढ करके हमको भी व्हाट्सएप कीजिए, फोटो खींच खींच करके। नहीं तो आपके मन में जो वक्री और अस्त की परिभाषा वर्तमान समय में दी जा रही है वही बैठी रहेगी। आप अनेक पुस्तकों में ढूंढिए वक्री के विषय में क्या लिखा गया है, और कहीं भी कुछ भी लिखा हो उसको आप फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब मेरे पुस्तक में लिखा है उसको मत पढ़िए, और किसी ने पुस्तक लिखा है उसको नहीं पढ़ना। जो प्रमाणिक पुस्तक है उसमें वक्री और अस्त के विषय में कितनी व्याख्या दी गई है ये यदि आप लोगों को प्राप्त हो जाए तो हम तक भेजेंगे। अगला जो पाठ आप लोगों को प्राप्त होगा वो वक्री और अस्त से ही संबंधित होगा, और आप लोग जो भेजेंगे उसको भी हम सम्मिलित करेंगे पाठ में, कि आपने जो भेजा उसको भी हम पाठों में सम्मिलित करेंगे, इसलिए आप लोग भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं पाठ समझ में आता होगा। किसी भी तरह की परेशानी हो तो पाठ में ही कमेंट कीजिए, और परेशानी पाठ से संबंधित ही लिखिए। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।